और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं जो कि राजधानी लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने G20 को लेकर बड़ी बैठक की है, सम्मेलन को सफल बनाने की रणनीति इस बैठक में बनाई गई है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तर प्रदेश से, साथ ही उच्च अधिकारियों को लिए भी जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है वो सीएम योगी की तरफ से जारी किए गए हैं। ब्रांड यूपी से दुनिया का परिचय कराएगा G20 सम्मेलन, ये सीएम के द्वारा कहा गया है। इसी के साथ सीएम ने वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और आगरा में भी जो आयोजन है वो किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि अमृत महोत्सव में भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो तमाम आयोजन है वो होने हैं, जिनको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार इस समय तमाम तरीके के जो तैयारियां हैं, रणनीति है वो बना रही है इन आयोजनों को लेकर। और हम सभी के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण ये क्षण रहेंगे, ये आयोजन रहेगा, ये सीएम ने कहा है। और इसके द्वारा, इन आयोजनों के द्वारा यूपी गौरव भी प्राप्त करेगा, अत्यधिक लाभ भी होगा। इसी के साथ सीएम योगी ने G20 की मेजबानी को लेकर अविस्मरणीय बनाना हमारा कर्तव्य है ये भी कहा और हर तरीके से इन आयोजनों को अविस्मरणीय बनाया जाएगा। इसी के साथ सीएम लखनऊ में G20 पार्क बनेगा, सीएम डेलीगेट्स की सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी किए गए हैं, ये भी सीएम ने कहा है। इसी के साथ पुष्प वर्षा से अतिथियों का स्वागत होगा और अतिथि देवो भव की जो परंपरा है वो उत्तर प्रदेश बखूबी इन आयोजनों में पेश करेगा। इसी के साथ दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक आपको बता दें कि भारत G20 की अध्यक्षता करेगा, जिसके अंदर तमाम जो आयोजन है वो रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कई जो महत्वपूर्ण आयोजन है वो होने हैं, जिसको लेकर योगी सरकार की तरफ से यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई है। आज बैठक हुई, बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी उनके द्वारा जारी किए गए। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर G20 सम्मेलन को सफल बनाने की जो रणनीति है वो योगी सरकार यहां पर तय कर रही है। सभी उच्च अधिकारियों को आदेश भी दे दिए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं किस तरह से इन आयोजनों को, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने हैं G20 को लेकर, उनमें क्या कुछ जो तैयारियां हैं वो रही हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो अतिथि देवो भव की परंपरा की दृष्टि से हो, या हर तरह से किस इन आयोजनों को सफल राज्य सरकार को बनाना है, उस पर सभी जो तैयारियां हैं वो यहां पर फिलहाल सीएम योगी की तरफ से की गई है। इस चर्चा में समीक्षा की गई है सभी तैयारियों की सीएम की तरफ से और सीएम के द्वारा कहा गया है कि पूरी तरह से ये जो आयोजन होंगे उनको स्मरणीय बनाने का जो कार्य है वो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, हर तरह से सफल बनाया जाएगा इन आयोजनों को और एक गौरवपूर्ण क्षण भी ये रहेंगे, न केवल देश के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी। किस तरह से इतने बड़े जो आयोजन हैं वो होंगे, साथ ही पूरी देश और दुनिया से यहाँ पर जब अतिथि पहुँचेंगे G20 सम्मेलन के लिए, तो वो भी भारत के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण जो क्षण है वो कहलाएंगे।